गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई होप आई एम ऑडिबल। आज के वेबिनार में हम लोग डिस्कस करेंगे, वी विल टॉक अबाउट टॉन्सिलाइटिस एंड फेरिंजाइटिस। ओके, जैसे मान लीजिए अगर मैंने आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया है, तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा कि हम लोग किस चीज किन चीजों की बात करेंगे, राइट। जब भी हम लोग टॉन्सिलाइटिस और फेरिंजाइटिस की बात करते हैं, तो ज्यादातर हम लोग इन्फेक्टिव कंडीशन की बात करते हैं, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई इन्फेक्शन है। तो आप लोग मुझे बताइए किन किन पैथोजेंस का इन्फेक्शन हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट ओके, तो ज्यादातर केसेस में ये इन्फेक्शन वायरस कराते हैं। जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक की कोई जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब ज्यादातर केसेस में आपको एंटीबायोटिक नहीं देनी है। इसके अलावा दूसरे ऑर्गेनिजम्स क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया होता है तो खासकर काफी एक्सुडेट्स वहां मिलते हैं, कंजेशन ज्यादा होता है, फीवर भी थोड़ा ज्यादा होता है, तो एंटीबायोटिक देना होता है। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। फंगल, ये बताओ फंगल जैसे कैंडिडा वगैरह का इन्फेक्शन हो गया, तो ये किन लोगों में ज्यादा कॉमन होते हैं, फंगस का इन्फेक्शन किस में ज्यादा कॉमन होता है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, जिनकी इम्यूनिटी कम अच्छी होती है, राइट। जैसे मान लो एचआईवी का पेशेंट हो गया, किसी को कीमोथेरेपी चल रही हो, कैंसर का पेशेंट हो गया, इसके अलावा कोई बहुत पुराना डायबिटिक पेशेंट है, किसी को स्टीरॉयड ट्रीटमेंट चल रहा है, समथिंग लाइक दैट। मेरी आवाज सभी को मिल रही है, चैट सेक्शन या माइक ऑन करके बताएं, एम आई ऑडिबल। चलो सुरभि ने बताया है कि आई एम ऑडिबल। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो, कुछ इस तरीके से ओरल कैविटी देख पा रहे हो, ये आपकी क्या है जिसको मैंने मार्क किया है, ये कौन सा स्ट्रक्चर बॉडी का, टंग है, मस्कुलर ऑर्गन है और बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, राइट। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, ये आपका पैलेट है, यू हैव सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट, ओके। इसके अलावा ये जो लटक रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूला, राइट। ये सारी चीज आप समझते हो। इसके अलावा मुझे कुछ चीजें बतानी है, जैसे ये स्ट्रक्चर्स आपके टॉन्सिल हैं और पैलेट के बगल में टॉन्सिल्स हैं, तो ज्यादातर हम लोग इन्हीं की बात करते हैं, पैलेटाइन टॉन्सिल्स। ये कंडीशन जिसमें टॉन्सिल्स का इंफेक्शन और इन्फ्लेमेशन होता है, ये बच्चों में ज्यादा कॉमन है, लेकिन हो किसी में सकता है। और यहाँ पे आप लोग कुछ स्ट्रक्चर देख पा रहे हो पोस्टीरियरली, ये आपका फेरिंग्स का वॉल है, राइट, फेरिंग्स। तो टॉन्सिल का इन्फ्लेमेशन हो गया तो इट विल लीड टू टॉन्सिलाइटिस, फेरिंग्स का इंफेक्शन हो गया तो इट कैन लीड टू फेरिंजाइटिस। हो सकता है दोनों चीजें एक साथ हो, टॉन्सिलो फेरिंजाइटिस हो, राइट, दोनों का इन्फ्लेमेशन हो। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो नॉर्मल टॉन्सिल्स हैं, छोटे छोटे हैं और रेड नहीं है। यहाँ पे आप लोग इस डायग्राम में देख पा रहे हो कंजेस्टेड टॉन्सिल्स हैं। अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि जो सोर थ्रोट हम लोग वर्ड यूज करते हैं कि गले में खराश है, ये किसके लिए यूज करते हैं, ये यूज करते हैं फेरिंजाइटिस के लिए, राइट। फेरिंग्स का इंफ्लमेशन हो जाए, प्लस माइनस यहाँ पे टॉन्सिल तक इंफेक्शन जा सकता है, इंफ्लमेशन, टॉन्सिलाइटिस भी। शुरू में ही मैंने बताया कि ये इन्फेक्टिव डिजीज है, यहाँ पे किसी ना किसी चीज का इन्फेक्शन होगा, चाहे वायरस का, बैक्टीरिया का या फंगस का, कभी कभी प्रोटोजोआ का भी हो सकता है। तो इसका मतलब पेशेंट को फीवर आ सकता है, राइट, गले में खिचखिच हो सकती है, सोर थ्रोट, थ्रोट पेन हो सकता है, आवाज बदल सकती है, कॉफ हो सकता है पेशेंट को, और अगर राइनाइटिस से एसोसिएटेड है तो स्नीजिंग भी हो सकता है। देखो बात यहाँ पे केवल सोर थ्रोट और फेरिंजाइटिस और आपके टॉन्सिलाइटिस की नहीं है, कोई भी डिसीज होती है तो उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म भी। कोई मुझे बता सकता है अगर किसी को फेरिंजाइटिस या सोर थ्रोट है तो कुछ डेडली कॉम्प्लिकेशन आगे चल के क्या हो सकते हैं, एनी डेडली कॉम्बिनेशन कॉम्प्लिकेशन वो ही है। जैसे मान लो अगर कैंसर, तो चलो ठीक है बेटा, कैंसर तो बहुत ही अनलाइकली है। जैसे एक्यूट रूमेटिक फीवर, एक्यूट रूमेटिक फीवर और रूमेटिक हार्ट डिसीज, आप लोग समझते हो कि नहीं, इसकी शुरुआत ज्यादातर फेरिंजाइटिस से होती है, सोर थ्रोट से होती है, राइट। इसी तरीके से आपका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस,
जिसमें हम लोग कहते हैं मेनली पोस्ट स्ट्रेप्टोकॉकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसमें हिमेच्यूरिया वगैरह होगा, नेफ्रिटिक सिंड्रोम करके होगा, बीपी वगैरह ज्यादा होगा, ये भी इसी का कॉम्प्लिकेशन है। ओके, तो इसका मतलब अगर हम लोग कोई बॉडी की कोई कंडीशन को डिस्कस कर रहे हैं तो हो सकता है वो उसके बियॉन्ड भी रेलेवेंट हो, फेरेंजाइटिस या सोर थ्रोट या टॉन्सिलाइटिस की हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक तरीके से देखा जाए तो ओरल कैविटी के आसपास के स्ट्रक्चर्स का इन्फ्लेमेशन देखेंगे। हो सकता है किसी को फ्लू लाइक सिम्टम्स हो, जैसे जुकाम है, बुखार है, नाक बह रही है, नाक ब्लॉक हो गई है। ओके, तो इससे भी हम लोग डिफ्रेंसिएट कर सकते हैं कि जो यहाँ पे फेरिंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस है उसका कॉज क्या है। जैसे मान लीजिए अभी मैंने कहा, अगर मैं फेरिंजाइटिस से स्टार्ट करूँ तो फेरिंजाइटिस में हम लोग क्या कह रहे हैं कि वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है। वायरल होगा तो क्यों ही एंटीबायोटिक दोगे, और बैक्टीरियल होगा तो एंटीबायोटिक जरूर दोगे। तो अगर ये वायरल होता है तो ज्यादातर ये राइनाइटिस से एसोसिएटेड होता है, ज्यादातर ये कोल्ड से एसोसिएटेड होता है, राइनोरिया होगा, रनिंग नोज वगैरह होगा, राइट, स्नीजिंग वगैरह आएगा। जबकि अगर ये बैक्टीरियल होगा तो ज्यादातर वहां पे रनिंग नोज वगैरह नहीं होगा, फीवर हाई ग्रेड होगा, राइट, और सोर थ्रोट थोड़ा सा ज्यादा तकलीफ देगा पेशेंट को। एग्जामिन करोगे तो यहाँ पे पस लाइक एक्सुडेट्स अभी हम लोग डायग्राम में देखेंगे। ओके, वेरी वेरी सिंपल। तो पहले हम लोग इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे फेरिंजाइटिस, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टॉन्सिल का इन्फ्लेमेशन, टॉन्सिलाइटिस। अब देखो, अगर किसी को साल भर में 6 से 7 बार से ज्यादा टॉन्सिलाइटिस हो रहा है तो इसका मतलब है ये साल भर दवा ही खाता रहेगा, और हो सकता है इसको लंबे एंटीबायोटिक का कोर्स देना पड़े। तो ऐसे पेशेंट में आप लोग क्या कर सकते हो, टॉन्सिलेक्टमी भी प्लान कर सकते हो, टॉन्सिल को रिमूव कर सकते हो। कभी आप लोगों ने सुना है कि किसी की टॉन्सिल रिमूव कर दी गई हो, टॉन्सिलेक्टमी किया गया हो? टॉन्सिल देखो एक लिम्फोइड टिश्यू है, यहाँ पे आपका एक तरीके से देखा जाए तो पैथोजन को क्लियर करने की कैपेसिटी होती है, राइट, फिल्टर करने की कैपेसिटी होती है। तो नॉर्मली हम लोग टॉन्सिल हटाना नहीं चाहते, लेकिन अगर साल भर उसका इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन होगा, राइट, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ रिकरेंट है, तो आपको ऑपरेट करके निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स आप लोग देख पा रहे हो, जैसे टॉन्सिल्स हो गए, फेरिंग्स हो गए, तो हम लोग इन्हीं के को डिस्कस करेंगे इस सेक्शन में, राइट। तो कुछ नॉर्मल चीजें दिखा के मैं अपनी स्लाइड पे चलता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे मैंने टॉन्सिल दिखा दिया है तो ये आपका फेरिंग्स है, राइट। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो यहाँ से ओरल कैविटी है, थोड़ा एनाटॉमी भी बता देना जरूरी है। ओके, दिस इज योर ओरल कैविटी, राइट। आगे चल के हम लोग देखेंगे ओरोफेरिंग्स, नेजल कैविटी, यहाँ पे नेजो फेरिंग्स, ओरो फेरिंग्स, और लैरिंग्स के आसपास आपका लैरिंगो फेरिंग्स। ओके, और यहीं पे आप लोग देख पा रहे हो टॉन्सिल्स। एक और सेक्शन यहाँ पे देखते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। आई होप कि आप लोग ये लेक्चर कर रहे हो तो एनाटमी तो जानते ही होगे। जैसे ये वाला डायग्राम है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, तो किसी में ओरल एग्जामिनेशन कर रहे हो तो ये यूला है, राइट, यहाँ पे पैलेटाइन टॉन्सिल्स हैं, और फिर ये आपको यहाँ पे फेरिंजियल वॉल दिख रही है। ओके, तो डिफरेंट इन्फेक्शंस या डिफरेंट कंडीशंस हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू टॉन्सिलाइटिस एंड फेरिंजाइटिस। अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं, मैं ले चलता हूँ आप लोगों को अपनी स्लाइड पे। सब लोग अपने कैमरे को बंद कर लो, कैमरा ऑन करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, जितने लोगों का को मैं देख पा रहा हूँ मैं यहाँ से कैमरा बंद कर दे रहा हूँ। कभी कभी बाय डिफॉल्ट कैम ऑन हो जाता है, दैट माइट नॉट बी गुड। फजलुर रहमान कैमरा बंद कर लो, डॉक्टर सुनील कैमरा बंद कर लो, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं, 40 लोग हो चुके हो। ओके, तो 1 घंटे के लेक्चर में हम लोग केवल टॉन्सिलाइटिस, राइट, और फेरिंजाइटिस की बात करेंगे। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, कोई प्रॉब्लम होती तो मुझे व्हाट्सएप कॉल करना या व्हाट्सएप करना। ओके, अगर मान लो मेरी आवाज वगैरह नहीं जाती है तो। टॉन्सिलाइटिस एंड फेरिंजाइटिस। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे नेम वाइज जाए तो फेरिंग्स का जहां पे भी हम लोग कहते हैं इन्फ्लामेशन हो गया वहां आइटिस लगा देते हैं। फेरिंग्स का इन्फ्लामेशन हो गया
राइट, यहाँ पे रेडनेस वगैरह मिलेगी, अभी देखेंगे। दिस इज नोन एज फेरिंजाइटिस। एक्यूट भी हो सकती है ये कंडीशन और लंबे टाइम तक है तो क्रॉनिक कहेंगे। इसी तरीके से जो पैलेटाइन टॉन्सिल्स हैं, अगर इन्हीं का इन्फ्लामेशन हो जाए तो सिंपल सी चीज है, यू विल कॉल इट टॉन्सिलाइटिस। ये भी एक्यूट हो सकता है, रिकरेंट हो सकता है, और अगर किसी पेशेंट पे लंबे टाइम तक है तो हम लोग कह देते हैं क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस। राइट, ज्यादातर ये लेक्चर डेडिकेटेड होगा एक्यूट स्टेजेस के लिए, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस एंड एक्यूट फेरिंजाइटिस के लिए। कभी कभी इन्फेक्शन आपका काफी लॉन्ग एरिया को कवर कर सकता है, तो टॉन्सिलाइटिस फेरिंजाइटिस दोनों एक साथ हो सकता है। ओके, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो किसी की ओरल कैविटी, ये आपका यूला है जो कि सॉफ्ट पैलेट से सस्पेंड करता रहता है। ये आपके टॉन्सिल्स हैं, ये टॉन्सिल्स आप लोग देख पा रहे हो काफी बड़े हो गए हैं, और यहाँ पे तो टॉन्सिल के ऊपर पस और मेम्ब्रेन भी है। तो कभी कभी टॉन्सिलाइटिस या फेरिंजाइटिस डिप्थीरिया से भी हो सकता है, गला घोटू। राइट, खासकर अगर पेशेंट अनइम्यूनाइज्ड हो तो यहाँ पे एक मेम्ब्रेन टाइप की बन जाती है, और जिसकी वजह से हो सकता है पेशेंट में ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो, ये मेम्ब्रेन और बड़ी हो जाए और इस एरिया को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दे और चोकिंग से पेशेंट की डेथ हो जाए। राइट, तो हम लोग बात कर रहे हैं फेरिंग्स। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं एक बार फिर से कि आपके नॉर्मल पैलेटाइन टॉन्सिल्स हैं। राइट, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ये यूला है, तो यहाँ पे टॉन्सिल्स कहीं पे भी एयरवे के रास्ते में नहीं आ रहे हैं, छोटे छोटे हैं, ये नॉर्मल है, दीज आर नॉर्मल टॉन्सिल्स। लेकिन अगर यही टॉन्सिल और बड़े हो जाएं और इन्फ्लेम्ड हो जाएं, राइट समथिंग लाइक दैट, तो हम लोग कह देंगे दिस इज टॉन्सिलाइटिस। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं दूसरे वाले डायग्राम में, टॉन्सिल का इन्फ्लेमेशन हो गया है प्लस आसपास के भी एरिया रेड है। तो यहाँ पे देखो अगर इस डायग्राम को देखा जाए तो ये टॉन्सिलाइटिस, राइट, तो यहाँ पे रेड एंड इन्फ्लेम्ड टॉन्सिल। केवल टॉन्सिल ही नहीं, यहाँ पे फेरिंग्स भी आपका, ये पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल है, राइट, जो पीछे आपको दिख रहा है पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल, ये भी आपकी रेड और कंजेस्टेड है, रेड एंड कंजेस्टेड। ओके, तो दिस इज सजेस्टिव ऑफ फेरिंजाइटिस। ओके, तो फेरिंग्स का इंफ्लेमेशन हो गया, रेडनेस आ गया फेरिंजाइटिस, टॉन्सिल का इंफ्लेमेशन आ गया, दिस इज योर टॉन्सिलाइटिस। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट फेरिंजाइटिस एंड टॉन्सिलाइटिस। यहाँ पे अगर इस डायग्राम में आप लोग देखो, अगेन वेरी सिंपल, तो मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ से हम लोग प्रोसीड करें नेजल कैविटी से पीछे की तरफ जाएंगे तो नेजो फेरिंग्स आएगा, ओरल कैविटी से पीछे की तरफ जाएंगे तो ओरो फेरिंग्स आएगा। राइट, और लैरिंग्स के अगर हम लोग बराबर में देखेंगे तो लैरिंगो फेरिंग्स आएगा। राइट, या हम लोग हाइपो फेरिंग्स कह देते हैं। तो जब फेरिंग्स की बात आती है तो हम लोग क्या कहते हैं, इधर से विंड भी जाएगा और इधर से फूड भी जाएगा, नेजो फेरिंग्स, ओरो फेरिंग्स, हाइपो फेरिंग्स। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, तीन पार्ट हो गया, नाक के पीछे वाला पार्ट नेजो फेरिंग्स, राइट, ओरल कैविटी के पीछे वाला पार्ट ओरो फेरिंग्स, लैरिंग्स के पीछे वाला पार्ट हाइपो फेरिंग्स, हाइपो फेरिंग्स। ओके, तो ये नेजल कैविटी के पीछे, नेजल कैविटी से रिलेटेड है, ये ओरल कैविटी से रिलेटेड है, और ये लैरिंग से रिलेटेड है। इसीलिए लैरिंग्स मतलब वॉइस बॉक्स, इसीलिए अगर लैरिंग्स, लैरिंगो फेरिंग्स इन्वॉल्व है, हाइपो फेरिंग्स, वॉइस बॉक्स, तो आगे चल के हम लोग देखेंगे पेशेंट में आवाज भी बदल जाती है जब सोर थ्रोट होता है। राइट, जाहिर सी बात है हम लोग आवाज थ्रोट से भी निकालते हैं। राइट, तो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए लैरिंग्स है, फिर उसको आर्टिकुलेट करने के लिए फेरिंग्स है, सॉफ्ट पैलेट है, टीथ है, लिप्स है, टंग है ना, तो आतिफ असलम जैसे, तो कहाँ से आवाज निकालता है, ज्यादातर थ्रोट से, सोर थ्रोट हो जाएगा तो आवाज चेंज हो जाएगी। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे ओरल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं। हम लोग पेशेंट से कह देते हैं मुंह खोलो, जीभ बाहर निकालो, आ की आवाज करो। ओके, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हम लोग देख सकते हैं। ये आपका यूला है जो कि सॉफ्ट पैलेट से नीचे लटक रहा है, ये आपका पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल है,
राइट, जहां पे हम लोग फेरिंजाइटिस वगैरह मेनली देखेंगे, पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल है, राइट। ये फॉसियल पिलर्स हैं जो मस्कुलर स्ट्रक्चर्स देख पा रहे हो, फॉसियल पिलर्स, राइट, मस्कुलर स्ट्रक्चर हैं। इन्हीं के बीच में आपका क्या होता है, कुछ इस तरीके से इन्हीं के पिलर्स के बीच में आपके नॉर्मल टॉन्सिल्स होते हैं, राइट। दिस इज योर पैलेटाइन टॉन्सिल। अगर ये चीज बड़ी हो जाती है तो ये टॉन्सिल आपका कुछ इस तरीके से इस ओरल कैविटी के स्पेस में आ जाएगा, ओके। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे टॉन्सिल की, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे फेरिंग्स के, इन्हीं के इन्फ्लेमेशन हो जाएंगे तो हम लोग क्या कह देंगे, इट इज फेरिंजाइटिस एंड टॉन्सिलाइटिस, ओके। बहुत ही कॉमन कंडीशन है, किसी को सोर थ्रोट हो जाए, किसी को टॉन्सिलाइटिस हो जाए, ये सारी चीजें यंगर एज ग्रुप में ज्यादा होती है, राइट, जैसे बच्चों में, ओके। हो किसी को भी सकता है, राइट। और एक सोर थ्रोट का कारण तो भी हम लोग रिसेंटली जान गए हैं, दैट इज कोरोना, COVID-19, सब लोग जानते होंगे, ओके। इसके अलावा बहुत सारे और वायरसेस हैं, जैसे एडिनो वायरसेस हो गए, राइनो वायरसेस हो गए, इवन इन्फ्लुएंजा एंड पैरा इन्फ्लुएंजा वायरसेस हो गए, राइट। अभी आगे चल के देखेंगे तो ज्यादातर ये वायरल होते हैं, इसीलिए यहाँ पे एंटीबायोटिक वगैरह नहीं दिया जाता, राइट। गार्गल्स वगैरह करने के लिए बोला जाता है, ओके। बेड रेस्ट करने के लिए बोला जाता है, हाइड्रेशन बेटर करने के लिए बोला जाता है, ओके। तो चलिए यहाँ पे भी आप लोग कुछ स्ट्रक्चर्स देख पा रहे हो, ये आपका यूला हो गया सॉफ्ट पैलेट से लटकता हुआ, ओके। यहाँ पे आपके टॉन्सिल्स हो जाते हैं, ये उतना साफ डायग्राम नहीं, आगे चल लेते हैं, ओके। तो एक और डायग्राम ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं नॉर्मल फेरिंग्स एंड टॉन्सिल्स। देखो बॉडी में टॉन्सिल्स और भी होते हैं, जैसे ट्यूबल टॉन्सिल्स होते हैं, राइट। ये बाई टॉन्सिल्स वी मीन पैलेटाइन टॉन्सिल्स। तो जो यहाँ पे हम लोग इस व्यू से जो देख पा रहे हैं वो फॉसियल पिलर्स के बीच में पैलेटाइन टॉन्सिल्स हैं। तो अगर कुछ ना लिखा जाए तो पैलेटाइन टॉन्सिल हम लोग टॉन्सिल को मानते हैं, ओके। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कुछ नॉर्मल डायग्राम में, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि आपका कौन सा डायग्राम लिया जाए, यहाँ पे सिंपल डायग्राम नॉर्मल वाले लिए जाए, चलिए इसको लेते हैं, क्रॉप कर लेंगे अभी, राइट। तो ये वाला आपका डायग्राम है, इसमें अगर हम लोग नॉर्मल देखें, ओके, इतना पार्ट ले लेते हैं, ओके। तो ये आपके, मैंने क्या कहा था, फॉसियल पिलर्स है, एक पिलर ये है, एक पिलर ये, उन्हीं के बीच में आप लोग देख पा रहे हो टॉन्सिल है, राइट। टॉन्सिल्स इन बिटवीन फॉसियल पिलर्स, राइट, एंड दीज आर पैलेटाइन टॉन्सिल्स, पैलेट के पास वाले पैलेटाइन टॉन्सिल्स। अक्सर इन्फेक्शन वगैरह में इनका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और इसी कंडीशन को आप लोग क्या कहते हो, टॉन्सिलाइटिस, ओके। जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो पेशेंट को खाने पीने में भी प्रॉब्लम होगी, थ्रोट पेन वगैरह होगा, सोर थ्रोट वगैरह होगा, और अगर बैक्टीरियल है तो हाई ग्रेड फीवर भी आ सकता है, वायरल है तो भी फीवर आ सकता है, बट शायद उतना हाई ग्रेड ना हो, ओके। तो सोर थ्रोट वगैरह करा सकता है। ये वाला स्ट्रक्चर यूला आप लोग देख ही चुके हो, ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, ये फेरिंग्स दिख रही है आपको, दिस इज पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल, पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल। तो यहाँ पे कम रेड दिख रहा है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे किसी को इन्फ्लेमेशन हो जाए तो ये चीज ज्यादा रेड दिखेगी, ओके। तो वो आपका क्या हो जाएगा, फेरिंजाइटिस हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ज्यादातर ये सारी कंडीशंस, चाहे टॉन्सिलाइटिस हो या फेरिंजाइटिस हो, वायरसेस की वजह से होता है, वायरल ओरिजिन का होता है, पेशेंट लगभग एक हफ्ते में अपने आप ठीक हो जाता है, इसलिए यहाँ पे कोई एंटीबायोटिक देने का बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है, बल्कि एंटीबायोटिक्स कुछ ना कुछ हार्म ही करेंगे, कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स ही करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे कंजेशन बहुत ज्यादा है, फीवर हाई ग्रेड का है, और आपने थ्रोट स्वैब करा लिया, जैसे कोविड में आप लोग थ्रोट स्वैब कराते थे, और वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ मिल जाती है, एक्सुडेट्स बहुत ज्यादा हैं, तो हम लोग कह देते हैं कि ये आपका क्या है, बैक्टीरियल है, बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक देना है,
एंटीबायोटिक में ड्रग ऑफ चॉइस पेनिसिलिन होता है, लेकिन पेनिसिलिन से बहुत ज्यादा एनाफाइलेक्टिक शॉक वगैरह हो सकता है, इसलिए ज्यादातर प्रैक्टिकली हम लोग पेनिसिलिन ग्रुप की ड्रग्स देते हैं, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक देते हैं, एमोक्सिसिलिन, क्लेवुलिनिक एसिड का कॉम्बिनेशन दैट इज एमोक्सिक्लेव, मार्केटेड मेनली बाय द नेम ऑफ ऑगमेंटिन, या अगर पेशेंट एलर्जिक है बीटा लैक्टम से तो इरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, बट प्रैक्टिकली इरिथ्रोमाइसिन भी ज्यादा नहीं देते हैं, एजिथ्रोमाइसिन देते हैं। ओके, तो ये कुछ नॉर्मल चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, अब टाइम आ गया है बात करने का एक्यूट फेरिंजाइटिस। तो यहाँ पे पहले सेक्शन में हम लोग बात करेंगे एक्यूट फेरिंजाइटिस। ओके, एक्यूट फेरिंजाइटिस, स्पेलिंग शायद कुछ गड़बड़ है, सही कर लेते हैं, एक्यूट फेरिंजाइटिस। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉमन कंडीशन, राइट। ज्यादातर किसमें ज्यादा कॉमन है, बच्चों में ज्यादा कॉमन है, होता तो सब में है। ओके, तो इसी को हम लोग एक तरीके से मोटे मोटे तौर पे कह देते हैं सोर थ्रोट, राइट। दिस इज एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ, एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ फेरिंग्स। ओके, मोस्टली सीन इन चिल्ड्रेन, मोस्टली सीन इन चिल्ड्रेन, राइट। ज्यादा चिल्ड्रेन होगा, बट कैन अफेक्ट एनीवन, बट कैन अफेक्ट एनीवन, ये तो हम लोग जानते हैं भाई, सोर थ्रोट तो हम लोगों को भी होता है, लेकिन जितना बच्चों को होता है उतना शायद हम लोगों को नहीं होता। अब यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में मैं लिख रहा हूँ मोस्टली वायरल, राइट। समटाइम्स बैक्टीरियल और फंगल, समटाइम्स बैक्टीरियल और फंगल। ओके, तो 90% में हम लोग कहते हैं वायरल है, देयरफॉर नो नीड ऑफ एंटीबायोटिक्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको सोर थ्रोट हो और आप लोग बिना कुछ सोचे समझे एंटीबायोटिक्स स्टार्ट कर दें। ओके, बेड रेस्ट स्टार्ट कर लो, सेलाइन गार्गल्स स्टार्ट कर लो, राइट, सूदिंग एजेंट्स वगैरह ले सकते हो। ओके, बट कोई एंटीबायोटिक लेने की यहाँ पे जरूरत होती नहीं है, अनलेस एंड अंटिल एक्सपर्ट एग्जामिनेशन में आपको पता चले कि वहां पे कंजेशन बहुत ज्यादा है, एक्ज्यूडेट्स वगैरह हैं, अभी डायग्राम देख लेंगे, राइट। पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर आ रहा हो, थ्रोट स्वैब कराओ, वहां पे थ्रोट स्वैब से कल्चर सेंसिटिविटी कराओ, कोई ऑर्गेनिज्म आ जाए, बैक्टीरिया आ जाए, तब आपको एंटीबायोटिक देनी है। ओके, तो एक्यूट फेरिंजाइटिस इज मेनली वायरल, कौन कौन से वायरसेस होते हैं अभी उनकी भी बात करेंगे। तो कुछ डायग्राम हम लोग यहाँ से लेते हुए चलते हैं। हाँ, इस लेक्चर में हम लोग लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस की भी बात करेंगे। ओके, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो व्हाट इज फेरेंजाइटिस, हम लोग कहते हैं थ्रोट का इन्फेक्शन है, थ्रोट का इन्फ्लामेशन है, राइट। सोर थ्रोट एक तरीके से कह सकते हैं, राइट। फेरिंग्स का मतलब थ्रोट, सोर थ्रोट, थ्रोट इन्फेक्शन, फेरेंजाइटिस इन्फ्लामेशन है एट दी बैक पार्ट ऑफ थ्रोट। जब हम लोग ओरल एग्जामिनेशन करते हैं तो बैक पार्ट ऑफ थ्रोट ही देख सकते हैं, राइट। यहाँ पे क्या क्या स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, पोस्टीरियर वन, सॉरी पोस्टीरियर थर्ड ऑफ टंग, सॉफ्ट पैलेट इंक्लूडिंग यूला, और देखो यहाँ पे टॉन्सिल्स भी इन्वॉल्व हो गए हैं, मतलब टॉन्सिलाइटिस का इसी के एक्सटेंडेड इन्फ्लेमेशन का पार्ट हो सकता है। कुछ और डायग्राम्स लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे डायग्राम लेने पड़ेंगे मुझे वन बाय वन। अभी मैंने क्या कहा कि ये ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर ये वायरल होता है। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, फेरिंग्स है। ओके, फेरिंग्स, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं फेरिंग्स, तीन पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था, नेजो फेरिंग्स, ओरो फेरिंग्स, लेरिंगो फेरिंग्स, हाइपो फेरिंग्स। तो अगर यहाँ का इन्फ्लामेशन है तो इट इज फेरिंजाइटिस, इट कैन इन्वॉल्व एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स आल्सो, जैसे यहाँ पे देखो टॉन्सिल हार्डली आपको दिख रही है, नॉर्मल टॉन्सिल, और यहाँ पे इन्फ्लेम्ड टॉन्सिल है, इन्फ्लेम टॉन्सिल थोड़ी सी बड़ी दिख रही है। ओके, कैसे हम लोग एग्जामिन करते हैं, हम लोग पेशेंट से कहते हैं बड़ा सा मुंह खोलो, जीभ बाहर निकालो, आ की आवाज निकालो। ओके, यहाँ पे टॉन्सिलाइटिस है, यहाँ पे फेरिंजाइटिस है, यहाँ पे देखो टॉन्सिल बड़े हो गए हैं, मैं यहाँ पे मार्क करके दिखा रहा हूँ, लेकिन इस वाले डायग्राम में टॉन्सिल नहीं दिख रहे हैं, टॉन्सिल बड़े नहीं हुए, लेकिन ये पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल काफी कंजेस्टेड है, तो कोई जरूरी नहीं कि दोनों साथ साथ हो, राइट। इन्फ्लेम्ड
फेरिंग्स, जबकि टॉन्सिल्स यहाँ पे नॉर्मल है, नॉर्मल टॉन्सिल्स। ओके, तो ये क्या है, ये फेरिंजाइटिस है। तो दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं और दोनों आइसोलेशन में भी हो सकते हैं, ज्यादातर आइसोलेटेड होते हैं, राइट। किसी को फेरिंजाइटिस है तो किसी को टॉन्सिलाइटिस है। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिसमें एक साथ ये दोनों चीजें मिल सकती हैं। इसमें बस यही है कि एक्सटेंट ऑफ इंफ्लेमेशन इंक्रीज हो जाता है कभी कभी। ओके, चलिए, तो ये आपका फेरिंग्स हो गया और फेरिंजाइटिस हो गया। और कुछ डायग्राम यहाँ से लेते रहते हैं। अभी मैंने कहा था कि यहाँ पे ज्यादातर क्या होगा, वायरल होगा, कभी कभी ये आपका क्या हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है। ओके, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया अगर बैक्टीरियल है तो सबसे ज्यादा कॉमन स्ट्रेप्टोकॉकल फेरिंजाइटिस है, राइट। स्ट्रेप्टोकॉकल फेरिंजाइटिस मतलब ये बैक्टीरियल है, और वायरल फेरिंजाइटिस, राइट, मल्टीपल वायरसेस से हो सकते हैं, जैसे एडिनो वायरसेस वगैरह। अगर बैक्टीरियल होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, नोजिया वॉमिटिंग, क्योंकि वहां पे इंफ्लेमेशन ज्यादा है, हेडेक, एब्डोमिनल पेन और एक्जुडेट्स दिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो तो व्हाइट एक्जुडेट्स दिख रहे हैं। तो बैक्टीरिया अगर होता है तो यहाँ पे पस फॉर्म हो जाता है, इसीलिए एक्जुडेट्स ज्यादा दिखते हैं। वायरल होता है तो रेड तो मिलेगा, नो एक्जुडेट्स, राइट, वहां कोई पस लाइक चीज नहीं मिलेगी, दिस इज सजेस्टिव ऑफ वायरल। वायरल में अक्सर कफ, कोराइजा और डायरिया, मतलब रनिंग नोज और लूज स्टूल के साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है। जब बैक्टीरियल होता है तो यहाँ पे जो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होते हैं, जो गले में गांठें होती हैं, वो भी बड़ी हो जाती हैं। तो क्लिनिकली भी डिफ्रेंसिएट कर सकते हो, लेकिन अगर क्लिनिकली नहीं डिफ्रेंसिएट हो पा रहा है, राइट, या वैसे भी पेशेंट में एक थ्रोट स्वैब एग्जामिनेशन कराना है जिसमें हम लोग कल्चर सेंसिटिविटी देखेंगे, और अगर थ्रोट स्वैब में कोई बैक्टीरिया आ गया तो हम लोग कहेंगे ये बैक्टीरियल है। अगर बैक्टीरिया नहीं आया तो डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन होगा, हम लोग मान लेंगे वायरल है और वहां पे वायरल फेरिंजाइटिस करके ट्रीट करेंगे, कोई एंटीबायोटिक नहीं देंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ओके, तो फेरिंजाइटिस मेनली, मैं एक्यूट फेरिंजाइटिस की बात कर रहा हूँ, कैन बी वायरल, कैन बी बैक्टीरियल, कैन बी फंगल। फंगल में एक ही में लिखवा रहा हूँ, कैंडिडा हो सकता है। वायरल में कोरोना वायरस को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, ये कुछ इंपॉर्टेंट वायरसेस हैं। इनमें से किसी के अगेंस्ट एंटीवायरल भी अवेलेबल नहीं है, तो ना एंटीवायरल देंगे ना हम लोग एंटीबायोटिक देंगे। ओके, बैक्टीरियल में सबसे इंपॉर्टेंट हो गया स्ट्रेप्टोकॉकस। इसके अलावा आपके पास हीमोफिलस वगैरह भी है, वो भी करा सकते हैं। तो हम लोग क्योंकि कह रहे हैं यहाँ पे क्या है, मोस्टली वायरल, राइट, मोस्टली वायरल, नो एंटीबायोटिक्स, राइट, अनलेस एंड अंटिल थ्रोट स्वैब पॉजिटिव आए, नो एंटीवायरल। अब ये सोचोगे तुम लोग वायरस है तो एंटीवायरल तो दे ही सकते हैं, क्यों दोगे एंटीवायरल, जब कोई भी एंटीवायरल ड्रग इस वायरस को रोक नहीं पाएगा तो कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे एंटीवायरल ड्रग्स देने को। ओके, जैसे चिकन पॉक्स होता तो एंटीवायरल ड्रग देते, क्योंकि वहां पे चिकन पॉक्स के वेरिसेला जोस्टर वायरस को ए साइक्लोवीर इनहिबिट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे इन वायरसेस में ए साइक्लोवीर का कोई रोल नहीं है। ओके, आगे चलते हैं, कुछ और डायग्राम्स देखते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया यहाँ पे फेरिंजाइटिस, राइट, ये कुछ आपके वायरल कॉजेज हैं और वायरल कॉजेज ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, वायरल कॉजेज ऑफ फेरिंजाइटिस, तो 90% जो फेरिंजाइटिस होती है दैट इज वायरल, और ये सारे, राइट, इज ऑफ वायरल ओरिजिन। और ये आपके वायरसेस, जैसे राइनो वायरस हो गया, यही राइनो वायरस क्या करता है, कॉमन कोल्ड भी कहता करता है। कॉमन कोल्ड को हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट राइनाइटिस। ओके, कॉमन कोल्ड जो सर्दी जुकाम होता रहता है, राइट, ये फेरिंजाइटिस भी कर सकता है।
एडिनो वायरसेस हो गए, इप्स्टीन बार वायरस हो गए, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस हो गए, इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा, यहीं पे अब हम लोग कोरोना वायरस ऐड कर देते हैं, जब से कोरोना वायरस का पैंडमिक आया था, राइट, जो क्या कराता था, कोविड-19। तो ये इम्पोर्टेंट वायरसेस हैं जो एक्यूट फेरेंजाइटिस कराते हैं, राइट। इनमें कोई एंटीबायोटिक नहीं देना है, ये बात याद रखना है। सिंपली किसी को सोर थ्रोट हो रहा है, उसका इलाज एंटीबायोटिक नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे बैक्टीरियल कॉजेस को कुछ देख लेते हैं, ये वायरल कॉजेस थे। ओके, अगर मेरे पास डायग्राम हो तो, राइट, बैक्टीरियल कॉजेज में लिख के बता देता हूँ। ओके, राइट, बात कर रहे हैं एक्यूट फेरिंजाइटिस की। ओके, तो वायरल कॉजेज हो गए, यहाँ पे कुछ बैक्टीरियल कॉजेज का भी जिक्र कर लेते हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया इज ग्रुप ए बीटा स्ट्रेप्टोकॉकस, राइट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रेप्टोकॉकस, स्ट्रेप्टोकॉकल इन्फेक्शन, राइट। और ये कई ग्रुप के होते हैं, यहाँ पे ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकॉकस सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज्यादा कॉमन। आगे चल के इन्हीं के कॉम्प्लिकेशन से क्या हो सकता है, पेशेंट में, यहाँ स्ट्रेप्टोकॉकस आप लोग देख पा रहे हो, रूमेटिक फीवर भी हो सकता है, और इसी पेशेंट में पोस्ट स्ट्रेप्टोकॉकल ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस हो सकता है, पेशेंट में इन्फेक्शन हो सकता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का, राइट, पेशेंट में इन्फेक्शन हो सकता है क्लेमाइडिया का, राइट, क्लेमाइडिया, राइट। इसी तरीके से पेशेंट में इन्फेक्शन हो सकता है माइकोप्लाज्मा का। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया है जो सोर थ्रोट कराते हैं, एक्यूट फेरिंजाइटिस कराते हैं। जहां तक फंगल की बात हुई, हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि ज्यादातर ये कैंडिडा से होता है, कुछ आपके और पैथोजेंस हो सकते हैं, जैसे आपके टॉक्सोप्लाज्मा वगैरह भी करा सकते हैं, मतलब प्रोटोजोआ का भी इन्फेक्शन हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे वो इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि वायरल और बैक्टीरियल को कैसे क्लिनिकली डिफ्रेंसिएट करेंगे। तो पहले तो हम लोग कुछ क्लिनिकल फीचर्स यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो क्लिनिकल फीचर्स हम लोग देख पा रहे हैं, पेशेंट क्या बताएगा, थ्रोट में डिस्कम्फर्ट बताएगा, फीवर बताएगा, और फीवर के साथ लैक ऑफ एपेटाइट, बॉडी पेन, ये सारी चीजें तो आप लोग समझ ही सकते हो। ओके, लेकिन जब ये सीवियर होता है तो यहाँ पे हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, सीवियर थ्रोट पेन हो सकता है, और ये इन्फ्लेमेशन टॉन्सिल तक पहुंच सकता है। ओके, और वहां पे लिम्फेटिक एनलार्जमेंट भी हो सकता है, पर्टिकुलरली सीवियर केसेस में देर इज एनलार्जमेंट ऑफ व्हाट, सर्वाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, गले में पेशेंट गांठें बताएगा, प्लस यहाँ पे आपका कॉमन कोल्ड और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, अभी मैंने कहा था फेरिंग्स का वॉइस से भी रिलेशन है। ओके, तो क्लिनिकल फीचर्स में पेशेंट क्या बताएगा, थ्रोट पेन बता सकता है, या हो सकता है वो बोले कि गले में खिचखिच है, डिस्कम्फर्ट, थ्रोट डिस्कम्फर्ट। ओके, पेशेंट में चेंज इन वॉइस हो सकती है, मोटी आवाज हो जाती है, राइट, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, सॉरी, माइल्ड टू हाई ग्रेड फीवर भी हो सकता है, हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, और फीवर है तो पेशेंट में बॉडी पेन, राइट, लिथार्जीनेस, मतलब सुस्ती, लैक ऑफ एपेटाइट, ये सारी चीजें भी एसोसिएटेड हो सकती हैं। अब देखो यहाँ पे पेशेंट में फ्लू लाइक सिम्टम्स भी हो सकते हैं। फ्लू लाइक सिम्टम का क्या मतलब है, फ्लू लाइक सिम्टम का मतलब है कि पेशेंट में नाक बह रही हो, नाक जाम हो जा रही हो, राइट, स्नीजिंग हो रहा हो, तो फ्लू लाइक सिम्टम्स, खासकर अगर फ्लू फ्लू लाइक सिम्टम्स है तो इसका मतलब ये वायरल ऑरिजिन का है। फ्लू लाइक सिम्टम्स में हम लोग क्या लिख लेते हैं, जैसे रनिंग नोज है, राइट, नेजल स्टफिनेस है, नाक जाम टाइप की हो जा रही है, ओके, स्नीजिंग है, स्नीजिंग है, राइट, राइनोरिया और स्नीजिंग।
इसी तरीके से हम लोग क्या कहते हैं, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी भी हो सकती है, सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स बड़े हो सकते हैं। ये कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं। हो सकता है फाउल स्मेलिंग ब्रेथ भी हो ऐसे लोगों में, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स हैं जो आप लोग कॉमन सेंस से भी बता सकते हो। ओके, चलिए अब क्लिनिकल फीचर्स के बेसिस पे हम लोग कैसे बताएंगे या कैसे सोचेंगे कि ये वायरल है कि बैक्टीरियल है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, वायरल है तो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करो, बैक्टीरियल है तो हम लोगों ने क्या करना होगा, यहाँ पे एंटीबायोटिक्स देनी होगी, राइट। प्रैक्टिकली हम लोग चाहे मैक्रोलाइड्स देते हैं एजिथ्रोमाइसिन, या हम लोग यहाँ पे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में एमोक्सीक्लेव देते हैं। पहले पेनिसिलिन इरिथ्रोमाइसिन देते थे, अब ये सब चीजें आउटडेटेड हो रखी हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने कह दिया बैक्टीरियल फेरिंजाइटिस है, ओके, तो क्लिनिकली क्या मिलेगा। वायरल फेरिंजाइटिस है तो कैसे हम लोग डिफ्रेंसिएट कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया राइनो वायरसेस जो होते हैं वो कॉमन कोल्ड भी कराते हैं, तो वायरल फेरिंजाइटिस में पेशेंट को अक्सर देखा गया है राइनोरिया भी मिलेगा एंड फ्लू लाइक सिम्टम्स, अगर मैं इसको और डिटेल में कहूँ फ्लू लाइक सिम्टम्स। ओके, तो यहाँ पे ज्यादा मिलेगा पेशेंट में रनिंग नोज, राइट, स्नीजिंग, नेजल स्टफिनेस एसेट्रा। राइनोरिया के अलावा पेशेंट में अक्सर डायरिया भी मिल सकता है अगर वायरल है। यहाँ पे नो सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी, ज्यादातर केसेस में सर्वाइकल लिम्फ नोड्स बड़े नहीं होते, लिम्फ एडिनोपैथी। जबकि जब हम लोग बैक्टीरियल की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर, ओके, प्लस यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, एग्जुडेट्स ओवर फेरिंग्स, वहां पे पस वगैरह देख सकते हो एग्जामिनेशन में, फेरिंग्स, नॉजिया एंड वॉमिटिंग, क्योंकि कंजेशन ज्यादा है यहाँ पे, नॉजिया एंड वॉमिटिंग, पेन एब्डोमेन, पेन एब्डोमेन, प्लस यहाँ पे सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी, लिम्फ एडिनोपैथी, गले के जो लिम्फ नोड्स हैं वो एनलार्ज हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्लिनिकली आप लोग डिफ्रेंसिएट कर सकते हो बैक्टीरियल और वायरल फेरिंजाइटिस में, बट ये कोई जरूरी नहीं कि आप लोग क्लिनिकली इसको डिफ्रेंसिएट कर लो, राइट। जैसे मान लीजिए मैंने एक डायग्राम पहले भी आप लोगों को दिखाया था, ये वाला डायग्राम, तो यहाँ पे बैक्टीरियल जिसमें स्ट्रेप्टोकॉकल सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, राइट, वायरल, तो ये बैक्टीरियल हो गया, ये वायरल हो गया। बैक्टीरियल में आप लोग देख पा रहे हो ये एग्जुडेट्स हैं, एग्जुडेट्स मतलब पस टाइप का है, राइट, तो बैक्टीरियल में एग्जुडेट्स प्रेजेंट होंगे। वायरल में मैं कह रहा हूँ नो एग्जुडेट्स, केवल चीजें रेड होंगी, ओनली रेड, तो पेशेंट में वायरल शायद उतना परेशान भी ना करे। यहाँ पे इतना ज्यादा बड़े बड़े टॉन्सिल्स और फेरिंग्स हो जाते हैं, हम लोग क्या कहते हैं कि ये ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है एयरवे को भी, राइट। इतना ज्यादा इरिटेशन होगा कि पेशेंट वॉमिटिंग वगैरह भी फील करेगा, राइट, दैट इज नॉजिया, या हो सकता है वॉमिटिंग हो जाए। ये कुछ फीचर्स हैं जिससे हम लोग क्लिनिकली डिफ्रेंसिएट कर सकते हैं वेदर इट इज वायरल फेरिंजाइटिस और बैक्टीरियल फेरिंजाइटिस। अब यहाँ पे डायग्नोसिस बनाने के लिए, देखो फेरेंजाइटिस की डायग्नोसिस बनाने के लिए कोई जांच नहीं कराना है, राइट। डायग्नोसिस ऑफ फेरेंजाइटिस इज क्लिनिकल, आप लोगों ने क्या कर लिया, ओरल एग्जामिनेशन कर लिया, ओके, ओरल एग्जामिनेशन कर लिया, जिसमें आप लोगों को क्या मिल गया, रेड इन्फ्लेम्ड डायग्राम आप लोग देख ही चुके हो, कंजेस्टेड फेरिंग्स। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट यहाँ हो गया कि डायग्नोसिस में ये बताना है वेदर इट इज वायरल और बैक्टीरियल, ओके। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है दैट इज थ्रोट स्वैब, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, हम लोग यहाँ पे थ्रोट स्वैब लेंगे, उस एरिया को टच करेंगे और इसी का हम लोग लैब में भेज के कल्चर एंड सेंसिटिविटी करा लेंगे, कल्चर एंड सेंसिटिविटी। अगर यहाँ पे मान लीजिए
दिया स्ट्रेप्टोकॉकस, या मान लो मैंने क्लेमाइडिया कह दिया, कुछ भी यहाँ पे ग्रो कर दिया, तो दिस इज बैक्टीरियल फेरिंजाइटिस। और अगर कुछ भी ग्रो नहीं किया तो हम लोग क्या कह देते हैं, इसका मतलब डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है, इसका मतलब पेशेंट में वायरल फेरिंजाइटिस है, ओके, वायरस है, अगर ये पॉजिटिव ना आए तो। ओके, तो हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके से थ्रोट स्वैब लेते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम दिखाऊं, है मेरे पास डायग्राम, राइट, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो किसी का थ्रोट स्वैब लिया जा रहा है। ओके, ये आपका, हम लोगों ने क्या किया, टंग को डिप्रेस कर दिया, और यहाँ पे हम लोग क्या दे रहे हैं, थ्रोट स्वैब ले ले रहे हैं, उस पर्टिकुलर एरिया को टच करेंगे। तो थ्रोट स्वैब ले लेंगे और फिर इसको हम लोग कहाँ पे भेज देंगे, कल्चर सेंसिटिविटी के लिए भेज देंगे, कल्चर एंड सेंसिटिविटी। ओके, कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने कह दिया कल्चर सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है, ये बैक्टीरियल है, अब कोई ना कोई बैक्टीरिया तो आएगा ही, बैक्टीरियल फेरिंजाइटिस है, राइट। अगर कल्चर नेगेटिव है, इफ कल्चर इज नेगेटिव, कोई बैक्टीरिया नहीं आया, तो हम लोग कहते हैं अब डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है, भाई कुछ नहीं मिला, तो इसका मतलब क्या है कि बैक्टीरिया होता तो ग्रो करता, दिस इज सजेस्टिव ऑफ वायरल फेरिंजाइटिस। तो इस तरीके से हम लोग डिसाइड करते हैं कि बैक्टीरियल है कि वायरल है। बैक्टीरियल होगा तो हम लोग यहाँ पे एंटीबायोटिक देंगे, जरूर देंगे, वायरल होगा तो हम लोग यहाँ पे कोई एंटीबायोटिक नहीं देंगे, इट इज नॉट नीडेड। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग डायग्नोसिस की बात करें तो हम लोग समझ चुके हैं कि थ्रोट स्वैब हम लोगों को भेजना है। ओके, और अगर यहाँ पे बैक्टीरियल आता है तो ज्यादातर वो स्ट्रेप्टोकॉकस ही आता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, राइट, हम लोगों ने क्या करना है, थ्रोट स्वैब लेना है और उसको कल्चर के लिए भेज देना है। ओके, दिस इज डायग्नोस्टिक फॉर बैक्टीरियल फेरिंजाइटिस एंड दिस इज 90% बाई ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई। हाँ, डिप्थीरिया वगैरह भी हो सकता है, इसलिए डिप्थीरिया को भी यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा। अगर डिप्थीरिया होता है तो केवल कंजेशन ही नहीं होता, मेम्ब्रेन होता है। तो अगर बैक्टीरिया की बात करें तो 90% टाइम्स आपका क्या होता है, स्ट्रेप्टोकॉकस। लेकिन अगर यहाँ पे मेम्ब्रेनस, यहाँ पे मेम्ब्रेन झिल्ली बन गई है, मेम्ब्रेनस फेरिंजाइटिस, अभी कुछ डायग्राम देखेंगे, मेम्ब्रेनस फेरिंजाइटिस, दिस कैन बी डिप्थीरिया, तो वो भी इसी थ्रोट स्वैब से पता चल जाएगा, राइट। और डिप्थीरिया है तो ज्यादा सीरियस चीज है, क्योंकि डिप्थीरिया के सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा होते हैं, विच इंक्लूड्स एरिदमिया, पैरालिसिस एसेट्रा। ओके, तो डिप्थीरिया होगा तो यहाँ पे एंटी डिप्थीरिया सीरम वगैरह भी देना पड़ेगा, राइट। और इस मेम्ब्रेन को हम लोग हटाएंगे नहीं, पेशेंट को हम लोग हो सकता है ट्रेकियोस्टमी के लिए भी ले जाएं। ओके, तो डिप्थीरिया खासकर अनइम्यूनाइज पेशेंट में, अगर यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं आई है तो इसका मतलब ये बैक्टीरियल है, बैक्टीरियल है, सॉरी, इसका मतलब ये वायरल है, बैक्टीरिया होता तो यहाँ पे कल्चर में ग्रो करता, वायरल है तो हम लोग वायरल की तरह ट्रीट करेंगे, कोई भी एंटीबायोटिक नहीं देंगे। कैसे ट्रीट करेंगे अब वो देख लेते हैं, राइट। तो वायरल है तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। बैक्टीरियल है तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के साथ साथ हम लोगों को एंटीबायोटिक्स भी देने पड़ेंगे, राइट। तो यहाँ पे जनरल मेजर्स क्या क्या है, जनरल मेजर्स में बेड रेस्ट है, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स हैं, वॉर्म सेलाइन गार्गल्स बहुत इंपॉर्टेंट, प्लस यहाँ पे पेन वगैरह होगा तो हम लोगों को एनाल्जेसिक्स देना है, जिसमें कॉम्बिफ्लॉम जो कि आईबुप्रोफेन है सबसे कॉमनली यूज्ड है। कभी कभी हम लोगों को लिग्नोकेन वगैरह का स्प्रे यूज करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे इरिटेशन बहुत ज्यादा हो सकता है, राइट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल मेजर्स की, क्योंकि ये डिसीज बच्चों में ज्यादा कॉमन है, तो मैं बच्चों के हिसाब से भी कुछ चीजें बताऊंगा, क्योंकि बच्चे गार्गल्स नहीं कर सकते, गार्गल नहीं कर सकते, अगर 6 साल से ऊपर होगा तभी शायद गार्गल कर पाए यहाँ पे। ओके, तो हम लोग बात करेंगे जनरल मेजर्स में, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बेड रेस्ट की बात करूंगा, राइट। प्रॉपर हाइड्रेशन होना चाहिए पेपर का, पेशेंट का, मतलब प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, जितना ज्यादा वो डिहाइड्रेशन होगा उतना ज्यादा और इरिटेशन होगा उस एरिया का।
प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, राइट। और फ्लूइड में ये नहीं कि उसको कोल्ड ड्रिंक पिला लो, राइट, वार्म फ्लूइड्स, जैसे वार्म फ्लूइड्स में कॉफी पिला दो, टी ले लो, राइट, काढ़ा वगैरह बना दो इसके लिए, समथिंग लाइक दैट, ओके, प्रॉपर हाइड्रेशन। इसके अलावा और हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं ट्रीटमेंट में, बेड रेस्ट हो गया, ये हो गया, पेशेंट को फीवर आएगा, फीवर आएगा तो पेशेंट को क्या दे सकते हो, एंटी पायरेटिक, लेकिन यहाँ पे पैरासीटामोल से ज्यादा अच्छा होता है कि यहाँ पे पेन भी है, पेन इन थ्रोट, तो हमें पेशेंट को एनाल्जेसिक भी देना है, और जब यहाँ पे बुखार भी कम करना है, पेन भी कम करना है, एंटी पायरेटिक प्लस एनाल्जेसिक, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या याद आ जाता है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, ड्रग ऑफ चॉइस यहाँ पे आइबुप्रोफेन हो गया, राइट, जो कि पैरासीटामोल के साथ कंबाइंड होता है, मार्केटेड बाय द नेम ऑफ कॉम्बिफ्लाम या आइबुजेसिक प्लस, ओके। तो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट में हम लोगों को एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक का यूज यहाँ पे करना पड़ेगा, ओके। कभी कभी लिग्नोकेन स्प्रे भी यूज कर सकते हैं, लिग्नोकेन स्प्रे, ओके, टू रिलीव पेन एंड इरिटेशन। तो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, जनरल मेजर्स में आपके ये आते हैं। यहाँ पे मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा, मान लो मैं कहूँ कि यहाँ पे पेशेंट में बहुत ज्यादा फीवर और पेन है, ओके, तो यहाँ पे एक तो आइबुजेसिक प्लस आपके पास बचती है, और एक और दवा है जो हाई ग्रेड फीवर में हम लोग यूज करते हैं, राइट। मान लो चाइल्ड है, चिल्ड्रेन है, चिल्ड्रेन में सीरप मेफेनेमिक एसिड, मेफेनेमिक एसिड फॉर हाई ग्रेड फीवर, हाई ग्रेड फीवर एंड पेन रिलीफ, राइट। तो पेरेंट्स बहुत कंप्लेन करते हैं, बच्चे का बुखार ही नहीं उतर रहा, पता नहीं क्या इलाज कर रहे हो, ये है वो है, तो उनमें हम लोग पैरासीटामोल से काफी ऊपर उठ जाते हैं, मेफेनेमिक एसिड देते हैं, राइट, सीरप मेफेनॉम, मेफेनॉम नाम से आता है, @5 mg /kg SOS देते हैं, ओके। जैसे मान लो मैंने कह दिया यहाँ पे 50 mg/5 ml है, ओके, और 10 किलो का अगर मान लो बच्चा है तो हम लोग 5 ml SOS दे देते हैं, ओके। मेफेनॉम के अलावा यहाँ पे अभी हम लोगों ने बात किया था आइबुजेसिक प्लस, ओके, एडल्ट है तो टेबलेट कॉम्बिफ्लाम दे देंगे, राइट। अच्छा, हेडेक वगैरह भी हो सकता है, राइट, एडल्ट है तो टेबलेट कॉम्बी फ्लाम, कॉम्बी फ्लाम क्या है, टेबलेट आइब्यूप्रोफेन प्लस पैरासीटामोल। इसी तरीके से बच्चा है, राइट, तो चिल्ड्रन में, चाइल्ड में हमारे पास सीरप आइब्यूजेसिक प्लस है, सीरप आइब्यूजेसिक प्लस, दिस इज अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ आइब्यूप्रोफेन प्लस पैरासीटामोल, राइट। तो यहाँ पे आपके पास आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामोल है, जिसमें आपका पैरासीटामोल 162 mg है, राइट, आइबुप्रोफेन करीब 100 mg है, तो पैरासीटामोल से डोजिंग करते हैं। इसी तरीके से सीरप पैरासीटामोल भी आता है 250 mg/5 ml, इसको भी आप लोग SOS दे सकते हो फीवर के लिए, राइट। तो डोजिंग में अगर किसी बच्चे में दवा दे रहे हो तो वेट के अकॉर्डिंग देते हैं, और डोजिंग में पैरासीटामोल की डोजिंग सबको पता होनी चाहिए, ओके। बच्चे एडल्ट में दो तो 500 mg, या हम लोग 650 mg की कॉलपोल वगैरह दे देते हैं, डोजिंग इन चाइल्ड, राइट। तो अगर मान लो कभी किसी को एनसीड दे रहे हैं, उसमें पैरासीटामोल मिला हुआ है, तो डोजिंग पैरासीटामोल के हिसाब से करेंगे, और पीसीएम की जो डोज है दैट इज @15 mg/kg पर डोज, राइट। एग्जाम्पल मान लीजिए, मैंने कह दिया ये वाला सीरप आपके पास है और वेट बच्चे का 15 kg है, राइट, तो डोज बढ़ेगा 15 × 15, 225 mg, 225 mg, ये वाला सीरप होगा, तो पेशेंट को 15 kg चाइल्ड में कितना दे दोगे सीरप पीसीएम, मेरे ख्याल से तुम लोगों की मैथ अच्छी होगी, सीरप पीसीएम करीब 4.5 ml SOS पड़ जाएगा, ओके। तो ये हम लोगों ने देखा है सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, राइट। इसके अलावा हम लोग पेशेंट में गार्गल्स वगैरह एडवाइस करेंगे, राइट,
गार्गल्स क्यों एडवाइस करेंगे? क्योंकि वार्म्थ होगा वहां पे, तो वो सूदिंग इफेक्ट देगा, इरिटेशन वगैरह कम होगा, राइट? तो यहाँ पे ज्यादातर हम लोग वार्म सेलाइन गार्गल्स प्रिफर करते हैं, राइट? तो गार्गल्स वहां पे इरिटेशन को कम कर देता है, इट गिव्स सूदिंग इफेक्ट, ओके? अब अगर मान लो कि ये वायरल नहीं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, तो यहाँ पे आपको एंटीबायोटिक्स यूज करनी पड़ेंगी, राइट? यूज एंटीबायोटिक्स इफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, सॉरी मेनिंजाइटिस कह रहे, बैक्टीरियल फेरिंजाइटिस, ओके? तो एंटीबायोटिक यूज करना पड़ेगा। कैसे देखेंगे? अगर मान लीजिए मैंने कह दिया थ्रोट स्वैब कल्चर पॉजिटिव है, राइट? और क्लिनिकली भी आप लोगों ने देखा था कि वहां पे एक्जुडेट्स वगैरह हैं, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी है, एक्जुडेट्स, राइट? तो ये सारी चीजें देख के आप लोगों को एंटीबायोटिक स्टार्ट करना है, राइट? सर्वाइकल एडनोपैथी। तो यहाँ पे अगर मैं ड्रग ऑफ चॉइस की बात करूं तो पेनिसिलिन है, राइट? और पेनिसिलिन से पेशेंट कभी कभी एलर्जिक होता है, इफ पेशेंट एलर्जिक टू पेनिसिलिन, तो हम लोगों को क्या दे देना चाहिए? टेबलेट इरिथ्रोमाइसिन, दैट इज मैक्रोलाइड, राइट? बट पेनिसिलिन इंजेक्शन लगाना बहुत ही रिस्की है, प्लस बहुत ही पेनफुल है, राइट? एनाफाइलेक्टिक शॉक के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो पेनिसिलिन इन जनरल यूज करना नहीं है, राइट? बहुत पेनिसिलिन तो इंजेक्शन अगर तुम लोग ढूंढोगे तो मिलेगा भी नहीं, ओके? कोई कंपनी बनाती नहीं है, ओके? बहुत रिस्की है, कोई डॉक्टर लगाना नहीं चाहता है, राइट? और कभी कभी पेशेंट में सडन एनाफाइलेक्टिक शॉक होगा, पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो प्रैक्टिकली यहाँ पे क्या देना है आपको? प्रैक्टिकली हम राइट एमोक्सीसिलीन प्लस क्लेवुलिनिक एसिड का कॉम्बिनेशन, राइट? एमोक्सी क्लेव, मार्केट में बहुत सारी ड्रग है, एग्जाम्पल ऑगमेंटिन, और इरिथ्रोमाइसिन की जगह भी हम लोग क्या दे देते हैं? एजिथ्रोमाइसिन दे देते हैं। आप लोग भी इसको काफी कॉमनली यूज किए होंगे, ओके? तो ये प्रैक्टिकली हम लोग इसको फॉलो करते हैं, क्योंकि ये वे सेफर ड्रग्स हैं और हर जगह ये आपके अवेलेबल है। जैसे अगर मैं स्टार्टिंग पेनिसिलिन से करूं, जो कि फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक थी, तो यहाँ पे बेंजाथीन पेनिसिलिन यूज किया जाता था, राइट? शायद मेरे पास डायग्राम हो इसका, मैं चेक कर लेता हूँ। पेनिसिलिन, राइट? दिस इज पेनिसिलिन आई सपोज, नहीं तो डिप्थीरिया का सीरम है, राइट? बेंजाथीन पेनिसिलिन, शायद ही तुम लोगों ने इस इंजेक्शन को देखा हो, राइट? इंजेक्शन बेंजाथीन पेनिसिलिन, पहले यही ड्रग ऑफ चॉइस हुआ करता था, राइट? बट यहाँ पे हाई रिस्क ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक, हाई रिस्क ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक, एनाफाइलेक्सिस एंड डेथ, तो इसको कोई यूज नहीं करता, देयरफॉर हार्डली यूज्ड, राइट? अब हमारे पास ऑगमेंटिन वगैरह है, वो भी बहुत अच्छा काम करती है, तो बेंजाथीन पेनिसिलिन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, 12 लाख इंटरनेशनल यूनिट इंट्रामस्कुलर स्टेट लगाते थे, बहुत ही पेनफुल इंजेक्शन है, अगर किसी को जिंदगी में लगा होगा तुम में से, तो तुम लोग जानते होगे कितना पेनफुल है। इंसान को जितना सोर थ्रोट से प्रॉब्लम नहीं होगी, उससे 1000 गुना ज्यादा इस इंजेक्शन को लगवाने में प्रॉब्लम होगी, और हो सकता है ऊपर भी निकल जाए पेशेंट अगर एनाफाइलेक्टिक शॉक हो और ठीक से उसको इंजेक्शन एड्रेनालिन के मैनेज ना किया जाए। तो यहाँ पे जो आजकल ड्रग ऑफ चॉइस है वो टेबलेट एमोक्सीक्लेव है, एमोक्सीक्लेव, राइट? मैंने इसका मार्केट नेम लिख दिया है, ऑगमेंटिन, जो कि सबसे ठीक ब्रांड है। तो हम लोग इसको कितना दे देते हैं? 625 मिलीग्राम टीडीएस फॉर 1 वीक। अब जब इस ड्रग को देते हैं तो इसका साइड इफेक्ट होता है डायरिया, क्योंकि ये गट में फ्लोरा को डैमेज कर देता है, इसीलिए देयरफॉर गिवन विद प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक के साथ दे सकते हो, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं लैक्टोबैसिलस के स्पोर्स, राइट? लैक्टोबैसिलस स्पोर्स, एग्जाम्पल जैसे एंटीनो जर्मिना दे दिया साथ में, राइट? या मैंने कह दिया स्पोरोलैक वगैरह दे दिया, बहुत सारे आते हैं, बिफी लैक वगैरह हो गए, तो इनके साथ हम लोगों को प्रोबायोटिक देना पड़ता है।
यहाँ पे ऑगमेंटिंग देख लेते हैं हम लोग, सीरप या टेबलेट कुछ तो होना चाहिए मेरे इस डायग्राम में, जैसे यहाँ पे है ऑगमेंटिंग। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिक्कत तब हो जाती है जब हम लोग सोर थ्रोट होते ही ऑगमेंटिंग स्टार्ट कर देते हैं, ये पूरे गट फ्लोरा वगैरह को डैमेज कर देता है, 3 4 दिन के बाद डायरिया होता है। जितना सोर थ्रोट से प्रॉब्लम नहीं हुआ उतना ज्यादा बाकी से प्रॉब्लम हो गया कॉम्प्लिकेशन से। तो तभी देना है जब यहाँ पे सर्वाइकल लिम्फेडनोपैथी हो, एक्सुडेट्स वगैरह दिख रहे हो, या थ्रोट स्वैब का कल्चर पॉजिटिव आया। दिस इज टेबलेट ऑगमेंटिन दैट इज एमोक्सिक्लेव 625 मिलीग्राम TDS फॉर पीरियड ऑफ 7 डेज। पेशेंट को बोलोगे गार्गल्स वगैरह करता रहेगा, बेड रेस्ट करेगा, हाइड्रेशन स्टेटस अपना सही रखेगा। जब भी पेन वगैरह होगा तो कॉम्बिफ्लॉम या प्लेन पैरासीटामोल ले सकता है। ऑल्टरनेटिव आपके पास क्या है? ऑल्टरनेटिव आपके पास है टेबलेट एजिथ्रोमाइसिन, राइट? एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम OD फॉर पीरियड ऑफ 5 डेज। इससे कोई डायरिया वगैरह नहीं होगा, राइट? काफी सेफ ड्रग है और बहुत सारी चीजों में यूज होता है। इरिथ्रोमाइसिन भी मैं दिखा दे रहा हूँ, बट इरिथ्रोमाइसिन प्रैक्टिकली दिया जाता नहीं है। ओके, ये क्या हो गया? एजिथ्रोमाइसिन हो गया, ये आपका हो गया इरिथ्रोमाइसिन, राइट? अगर इरिथ्रोमाइसिन मिल रहा है कहीं पे दिया जाता है टेबलेट इरिथ्रोमाइसिन, तो दिया जाता है 250 मिलीग्राम 4 times a day फॉर 7 डेज, राइट? लेकिन मैं यहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन की बात करूंगा, राइट? यही देना है आपको बिकॉज इट इज वे सेफर एंड मोर अवेलेबल, इक्वली इफेक्टिव 500 मिलीग्राम OD, राइट? एजिथ्रोमाइसिन ज्यादातर जब देते हैं तो 5 दिन दे देते हैं, काफी है OD डोज में। ओके, अब देखो अगर ये डिप्थीरिया है तो मामला गड़बड़ है, राइट? तो डिप्थीरिया से टॉन्सिल के ऊपर भी मेम्ब्रेन हो सकता है, नॉस्ट्रिल में भी मेम्ब्रेन हो सकता है, फेरिंग्स पे भी मेम्ब्रेन हो सकता है। तो अगर डिप्थीरिया की वजह से, खासकर उन्हीं में होता है जो लोग अनइम्यूनाइज होते हैं, तो चीजें बहुत कॉम्प्लिकेट कर सकती हैं, जिससे चोकिंग, डेथ और बाकी सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो उनको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब टॉन्सिलाइटिस पढ़ लेंगे तब। ओके, तो ये रहा आपका फेरिंजाइटिस का डिस्कशन। अगर मान लो ये फंगल फेरिंजाइटिस है, कैंडिडा वगैरह से है, तो वहाँ पे निस्टैटिन ड्रग ऑफ चॉइस होता है। मैं यहीं पे लिखवा दे रहा हूँ, इफ कैंडिडा से फेरिंजाइटिस है यू नीड टू गिव निस्टैटिन, राइट? निस्टैटिन यहाँ पे क्या हो जाता है? ड्रग ऑफ चॉइस हो जाता है। राइट, प्रैक्टिकली देखा जाता है कैंडिडा उन्हीं में होता है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, HIV/AIDS, राइट, लेट स्टेजेस ऑफ डायबिटीज, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं और कुछ जिसमें स्टीरॉयड वगैरह चलता रहेगा। जब कोई डिसीज पढ़ते हो तो ऐसा नहीं कि जो सोच रहे हो वही होगा, उसमें कुछ ना कुछ और प्रोबेबल डायग्नोसिस हो सकती है, तो हम लोग क्या कहते हैं? डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो यहाँ पे कुछ और चीजें हम लोग इसके साथ देख लेते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, राइट? तो यहाँ पे सोर थ्रोट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, खासकर वो कॉक्सैकी वायरस से होता है, दैट इज हर्पेनजाइना, राइट? ये भी बच्चों में बहुत कॉमन होता है। जैसे पेरेंट्स आते हैं बताते हैं बच्चे की आवाज़ थोड़ी सी बदली हुई है, या ये ना भी बता पाए, बच्चा बहुत इरिटेबल है, हाई ग्रेड फीवर है, राइट? थोड़ा बहुत हो सकता है फ्लू लाइक सिम्टम्स हो, तो पेरेंट्स बहुत अप्रिहेंसिव होते हैं, बच्चा कुछ खाता पीता भी नहीं है क्योंकि पोस्टीरियर फेरिंग्स पे वेसिकुलर लीजन्स होते हैं। तो एक कंडीशन होती है हर्पेनजाइना, जब तक थ्रोट नहीं देख लोगे तब तक डायग्नोसिस बना नहीं पाओगे। इसलिए ये हैबिट होनी चाहिए कि अगर कोई पेशेंट फीवर की कंप्लेन कर रहा है तो एक बार थ्रोट आप लोग जरूर देखिए। ओके, तो डायग्नोसिस में डिफरेंशियल डायग्नोसिस, जिसको आप लोग DD कहते हो, यहाँ पे कुछ चीजें आती हैं, इनमें से मैं कुछ को एक्सप्लेन भी कर दूंगा। जैसे हर्पेनजाइना, राइट? जैसे इन्फेक्सियस मोनोन्यूक्लियोसिस, इन्फेक्सियस मोनोन्यूक्लियोसिस जो कि आपका किससे होता है? इपस्टीन बार वायरस से। ये किससे होता है? कॉक्सैकी वायरस से, कॉक्सैकी वायरस, राइट? इसी तरीके से साइटोमिगेलो वायरस, CMV इंफेक्शन भी हो सकता है, अभी देख लेंगे, राइट? तो ये कुछ आपके इंफेक्शंस हैं। एडिनो वायरस का इंफेक्शन हो सकता है, एडिनो वायरस का इंफेक्शन तो खैर ये भी था, राइट? कभी कभी फेरिंगो कंजक्टाइवल फीवर हो सकता है, राइट?
ये कुछ आपके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आते हैं। अगर मैं एक स्लाइड भी यहाँ पे आपको दे दूँ तो इसको फुर्सत में पढ़ लेना, राइट। ये क्या गया, राइट। तो यहाँ पे कुछ चीजें और सोच सकते हो, ओके, जो पेशेंट में हो सकता है। जैसे एक कंडीशन हर्पेनजाइना में यहाँ पे शो कर रहा हूँ, जो कि कॉक्सैकी वायरस से होगा, और यहाँ पे थ्रोट कंजेस्टेड ही नहीं होगी, वहां पे वेसिकल्स होंगे। जैसे चिकन पॉक्स में दाने निकल जाते हैं, वैसे थ्रोट पे आपको छोटे छोटे दाने मिलेंगे, राइट। तो ये भी आपका हर्पेनजाइना भी वायरल ऑरिजिन की डिसीज है। यहाँ पे भी कोई एंटीबायोटिक आपको नहीं देना है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करोगे, वही आप आइबोजेसिक और गार्गल्स वगैरह, राइट। 1 वीक में अपने आप ठीक हो जाएगा। तो हर्पेनजाइना इज कॉज बाय कॉक्सैकी वायरस। इसी तरीके से इप्स्टीन बार वायरस, EBV, इप्स्टीन बार वायरस, और आपका साइटोमिगेलो वायरस, राइट, CMV, ये भी आपके सोर थ्रोट करा सकते हैं, राइट। वहां पे हम लोगों ने रीजन में देखा भी था, ओके। तो डिफरेंट वायरसेस हैं जो यहाँ पे सोर थ्रोट करा सकते हैं। इनमें मैं हर्पेनजाइना को अलग लेके चल रहा हूँ, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में इसलिए रखा हूँ कि हर्पेनजाइना एग्जैक्टली सोर थ्रोट आपका टिपिकल नहीं है, वहां पे कुछ वेसिकल्स हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ आपको डायग्राम दिखा पाऊँ, राइट, दिस इज हर्पेनजाइना, कॉक्सैकी वायरस से होगा। और कोई डायग्राम हो तो उसको भी ले लेते हैं। टॉन्सिलाइटिस, ये आई थिंक एक डायग्राम काफी है, राइट, इसको हटा दो इतना, राइट। तो यहाँ पे आप लोग ये देख पा रहे हो पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल पे क्या है, वेसिकुलर लीजन्स है, वेसिकुलर लीजन्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एडिमा है रेडनेस, वो तो है ही, राइट, अलोंग विद रेडनेस। ये एक और वायरस होता है आपका, बाई कॉक्सैकी वायरस, गट का वायरस होता है कॉक्सैकी वायरस। तो ये सेल्फ लिमिटिंग डिसीज है, राइट। वायरसेस तो सब सेल्फ लिमिटिंग ही होते हैं। 1 वीक में पेशेंट इंप्रूव कर जाता है, 1 वीक में, ओके। तो इस तरीके से हम लोगों ने फेरिंजाइटिस को काफी डिटेल में डिस्कस किया है। अभी तो जो डिस्कशन किया है वो एक्यूट फेरिंजाइटिस, राइट। इसी तरीके से मैं क्रॉनिक फेरिंजाइटिस की भी बात कर लेता हूँ। जैसे मान लो किसी को लंबे टाइम तक फेरिंजाइटिस हो, जैसे मान लो कोई साइनोसाइटिस का पेशेंट हो, नेजल पॉलिप का पेशेंट हो, क्रॉनिक इरिटेंट जैसे स्मोकर वगैरह हो, ओके, कहीं पे बहुत पॉल्यूटेड एरिया में रह रहा हो, तो उसमें हो सकता है फेरिंजाइटिस बनी रहे, रोज उससे मिलो रोज उसका गला खराब रहे, राइट। तो क्रॉनिक फेरिंजाइटिस भी हो सकता है, खासकर उन लोगों में जिसमें साइनोसाइटिस वगैरह, नेजल पॉलिप वगैरह, पॉल्यूटेड एरिया वगैरह में रहते हैं, स्मोकिंग वगैरह करते हैं, ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं, बहुत स्पाइसी फूड खाते हैं, उनमें उनमें भी सिम्टम्स यही रहेंगे, लेकिन वहाँ पे थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज्यादा रहेंगे, फीवर वगैरह वहाँ पे कम रहेगा, राइट। वो दो टाइप का होता है, एक जिसमें बहुत ज्यादा सिक्रीशंस आते हैं फेरिंग्स से, और एक जिसमें फेरिंग्स की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, राइट। तो शॉर्ट में बात कर लेते हैं क्रॉनिक फेरिंजाइटिस की भी। क्रॉनिक फेरिंजाइटिस, क्रॉनिक का मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत लंबे टाइम से पेशेंट को फेरिंजाइटिस है, राइट। मेनली यहाँ पे लॉन्ग स्टैंडिंग फेरिंजाइटिस, लॉन्ग स्टैंडिंग फेरिंजाइटिस, और यहाँ पे हम लोग क्या कह देते हैं, इतने लंबे टाइम से फेरिंजाइटिस है कि वहां पे म्यूकोसा का हाइपरट्रॉफी वगैरह हो गया है, ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी हो गई है, प्लस लिम्फोइड फॉलिकल्स वहां पे और ज्यादा प्रोलिफरेट कर गए हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लामेशन। अभी देखेंगे कॉजेस क्या हो सकते हैं प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लामेशन। यहाँ पे क्या हो जाती है, हाइपर ट्रॉफी ऑफ म्यूकोसा, हाइपर ट्रॉफी ऑफ म्यूकोसा, ओके। इसके अलावा हाइपर ट्रॉफी ऑफ ग्लैंड्स, इसके अलावा हाइपरट्रॉफी ऑफ लिम्फोइड फॉलिकल्स, लिम्फोइड फॉलिकल्स। तो यहाँ पे देखोगे तो एक अजीब सा ही थोड़ा सा ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर दिखेगा, अभी डायग्राम में हम लोग इसको समझ लेंगे।
जैसे जब क्रॉनिक फेरेंजाइटिस होता है तो कुछ इस टाइप के लीजेंस दिखते हैं, राइट। तो क्रॉनिक फेरेंजाइटिस है, बहुत लंबे टाइम से यहाँ पे फेरेंजाइटिस है। तो ये देखो ग्रेन्यूलर अपीयरेंस दिख रहा है यहाँ पे, राइट, छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इनको फेरेंजाइटिस एक्यूट नहीं है, क्रॉनिक है। और क्रॉनिक में इनको या तो रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, राइट। ऐसे केसेस में आगे चल के हम लोगों को इलेक्ट्रोकॉटरी से इस ग्रेन्यूल्स को, यहाँ पे हाइपरीमिया वगैरह को, ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करना पड़ता है। यहाँ पे पेशेंट में अभी देख लेते हैं कॉजेस, ट्रीटमेंट ही बता देता हूँ। जनरल एनेस्थीसिया में यहाँ जाके इस म्यूकोसा को बर्न करना होता है, इलेक्ट्रोकॉटरी करना होता है, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट देख लेते हैं क्रॉनिक फेरेंजाइटिस की, फिर उसके बाद चलते हैं बात करते हैं टॉन्सिलाइटिस की, ओके। क्रॉनिक फेरेंजाइटिस, राइट। तो ये क्रॉनिक फेरेंजाइटिस से रिलेटेड टेक्स्ट है, राइट। इसको अगर मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं तो आप लोग ज्यादा देख पाओगे, राइट। वी आर डिस्कसिंग क्रॉनिक फेरेंजाइटिस, क्रॉनिक फेरेंजाइटिस जिसमें क्या है, काफी लंबे टाइम से पेशेंट को फेरेंजाइटिस है, ओके। दो टाइप का ये हो सकता है, एक होता है आपका क्रॉनिक जिसमें सिक्रीशंस ज्यादा आते हैं, कैटारहल फेरिंजाइटिस, पेशेंट कहेगा गले से कुछ ना कुछ चीज ड्रिबल करती रहती है। दूसरा अभी मैंने कहा कि जिसमें हाइपरट्रॉफी ज्यादा होती है, क्रॉनिक हाइपरट्रॉफिक या ब्रैकेट में आप लोग लिख सकते हैं ग्रेन्यूलर, राइट, ग्रेन्यूलर फेरिंजाइटिस, ओके। अभी डायग्राम दिखाया था क्रॉनिक ग्रेनुलर फेरिंजाइटिस, ओके। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डायाथर्मिया इलेक्ट्रोकॉटरी करके इस म्यूकोसा को बर्न करना पड़ेगा, राइट। सिम्टम्स क्या होंगे, अगेन वही थ्रोट पेन वगैरह होगा, ऐसे लगेगा गले में कोई चीज अटक रही है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगा, आवाज दबी दबी सी रहेगी, राइट, क्योंकि यहाँ इन्फ्लेमेशन वगैरह हो रखा है, ओके। कॉफ वगैरह हो सकता है क्योंकि थ्रोट इरिटेट हो रहा है। दो टाइप का होता है, क्रॉनिक कैटारहल है जिसमें ज्यादातर कंजेशन और सिक्रीशंस महसूस करेगा पेशेंट। दूसरा आपके पास ग्रेन्यूलर है जिसमें ज्यादातर पेशेंट कहेगा कि गले के पीछे ऐसे लगता है कोई चीज चुभ रहा है। तो क्रॉनिक फेरेंजाइटिस यहाँ पे हम लोगों ने देखा, ओके। इसका कॉज क्या हो सकता है, क्रॉनिक फेरेंजाइटिस का मतलब क्यों इतने लंबे टाइम तक फेरेंजाइटिस है, हो सकता है आसपास के एरिया से इन्फेक्शन फैल जा रहा हो, इन्फ्लेमेशन फैल जा रहा हो, राइट। हो सकता है पेशेंट बहुत ज्यादा माउथ से ब्रीथ करता हो, जब आप माउथ से ब्रीथ करते हो तो अनफिल्टर्ड एयर बॉडी के अंदर चली जाती है, अनह्यूमिडिफाइड, वहां पे कोई एयर कंडीशनिंग नहीं होती है, ओके। तो ये कुछ कॉजेज हैं, हम लोग देख लेते हैं कॉजेज ऑफ क्रॉनिक फेरिंजाइटिस, फिर चलते हैं टॉन्सिलाइटिस पढ़ते हैं, क्रॉनिक कॉजेज ऑफ क्रॉनिक फेरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस क्या क्या कॉजेज होंगे क्रॉनिक फेरिंजाइटिस के, जैसे पहला मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, परसिस्टेंट इन्फेक्शन नियर बाई, परसिस्टेंट इन्फेक्शन इन नेबरहुड, इन नेबरहुड, नेबरहुड क्या, फेरिंग्स के आसपास के जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया पेशेंट को क्रॉनिक साइनोसाइटिस है, साइनसिस का इन्फ्लेशन, क्रॉनिक राइनाइटिस है, बार बार पेशेंट को नेजल इन्फेक्शन हो जा रहा हो, ओके, समथिंग लाइक दिस। हो सकता है पेशेंट में डेंटल इन्फेक्शन हो, तो बैक्टीरिया आसपास ही है, राइट, और यहाँ तक पहुंच जा रहा है, ओके। हो सकता है पेशेंट में क्या हो, क्रॉनिक इरिटेंट हो कोई, राइट, इन्फेक्शन ना हो, कोई इरिटेशन हो रहा हो फेरिंग्स का। एग्जाम्पल पेशेंट क्या हो, स्मोकर हो, दिल्ली में रहता हो, बहुत ज्यादा पेशेंट पॉल्यूटेड एरिया में रह रहा है, ओके, समथिंग लाइक दैट। हो सकता है पेशेंट स्पाइसी फूड खा रहा हो, बिल्कुल चटर पटर, तो जाहिर सी बात है जाएगा तो फेरिंग से ही, गले से ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ओके। तो ये कुछ आपके कॉजेज हो जाते हैं जिनमें क्रॉनिक फेरिंजाइटिस होने के चांसेस होते हैं।